दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका करियर प्लस चैनल में। तो यहाँ पे एक जो नोटिस आया था, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी के संबंध में यहाँ पे जो है ये लंबे समय से उनका शोषण हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे कहा कि सुधार के श्रम होंगे। तो यहाँ पे 10 अक्टूबर को यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख लीजिए, उन्हें भेजा गया है ना। तो उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर तक अगर किसी का शोषण हुआ, कहने मतलब क्या है कि 10 अक्टूबर से जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाइएगा, पर आगे से कुछ नोटिस भेजा गया कि उसमें जो है अब आप करना क्या चाहते हैं। कर्मचारियों के लिए हमें बोला गया है कि उनका शोषण होता रहता है सुपरवाइजर में, उसमें शोषण होता है यहाँ पर कर्मचारियों का, तो उनके खिलाफ यहाँ पर बताया गया आउटसोर्सिंग के यहाँ पर जो है ये भर्तियाँ जो होती हैं इसमें एक नई नीति यहाँ पर बनाई जा रहे हैं यहाँ पर जो है ये। तो एक रीति के अंतर्गत यही है कि आपने देखा होगा कुछ बीएससी एमएससी करे हुए लड़के इंटर पास वाली नौकरी में फॉर्म डालते हैं, तो बेचारे इंटर पास ऑलरेडी हैं, उन्होंने बीएससी नहीं कर पाए या फिर एक तरीके से बीए नहीं कर पाए, फेल हो गए हैं उसमें, तो उनके लिए नौकरी का मौका नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि जो पढ़े लिखे ज़्यादा रहें तो छोटी नौकरी से दूर रहें, मतलब क्या 10th और 12th वाली अगर नौकरी है तो प्लीज़ उसके अंदर बीए बीएससी वाले फॉर्म ना डालें। इसके लिए फैसला आ चुका है, 10 अक्टूबर को भेजा गया है, ठीक है। तो अब अक्टूबर कितना हो गया, 5-6 अक्टूबर चल रहा है, 5 दिन बाद यहाँ भेज दिया गया। उसके बाद कैबिनेट से मोड़ लगती है, यहाँ पर जो काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो ये सबसे बड़ी समस्या एक यह है कि यहाँ पर विद्यालयों के अंतर्गत ये जो है एडेड कॉलेज होते हैं, बताया गया इसमें आउटसोर्सिंग के द्वारा भर्तियाँ चल रही हैं, ठीक है। 2013 से पहले जितनी भर्तियाँ हुई हैं वो सब परमानेंट हुई हैं। अब यहाँ लगभग परिचारक में कोई भी नियुक्ति नहीं हो रही है। विद्यालय कार्य जो परिचारक के अभाव में बाधित हो रहा है। स्वीपर चौकीदार की नियुक्ति तक शासन तक जो समाप्त कर दिया गया है। अब विद्यालय के हितकार में, यानी मतलब क्या, वो अपने जो है प्रबंध तंत्र को माध्यम से भर्ती करने का शासन को है परमिशन मांग रहे हैं। आप देखते हैं क्या होता है, प्रभावित होता है या नहीं होता है। साथ में जो है मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि हम जो है संविदा व आउटसोर्सिंग की कर्मियों को शोषण से रोकने के लिए यहाँ पर नई नीति लेके आ रहे हैं यहाँ पर जो ये, और नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ गया है यहाँ पर जो है कोई भी सैलरी ना काटे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी आ चुका है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूँ, फिर भी जो नए सब्सक्राइबर उनको नहीं पता तो उनको बता रहा हूँ। मानदेय से पैसा ना काटें, साफ साफ लिखा हुआ 11,000 रुपये सैलरी, तो 11,000 ही मिलना चाहिए, 8,000-9,000 रुपये नहीं मिलना चाहिए ना। तो कंपनी के द्वारा, यानी मतलब क्या, जो कंपनी के द्वारा जो पैसे काटे जा रहे हैं ना, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी यहाँ पर जो है। उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ और कई बार न्यूज़ दिखा चुका हूँ, क्योंकि आप जो नए सब्सक्राइबर उनको मिलना चाहिए आप अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो है ये। राजस्व विभाग के अंतर्गत भर्ती के लिए यहाँ पर बोला गया है, तो 3 अक्टूबर 2024 ये नोटिस आया हुआ है यहाँ पर जो है, अभी दो आपको दो दिन पहले का नोटिस है। राजस्व विभाग के अंतर्गत यहाँ पर जो है लेखपाल की भर्ती के संबंध में बताया गया कि यहाँ पर जो है ये भर्तियाँ बहुत जल्द होंगी। यहाँ पर जो कुछ दिन पहले ही अखबार में निकाला गया था, यहाँ पर 7,000 पदों पर लेखपाल की भर्ती की जानी है, और इसमें यहाँ पर बताया गया है अपने जो है ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में विज्ञापन जारी करने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। अब एक बात बताइए, UP SSC से अभी अक्टूबर का 5 दिन हो चुके हैं, 2 दिन बचे हुए हैं, आप देखते हैं 2 दिन में विज्ञापन आता है या नहीं आता, उससे पहले ये आपका नोटिस आ चुका, अधिसूचना यहाँ पर जो है जारी होने के लिए बोला गया। इसमें नोटिस में ये बताया गया यहाँ पर जो है, जब तक पुरानी भर्ती क्लियर नहीं होगी तब तक नई भर्ती नहीं निकाली जाएगी, साफ साफ नोटिस आ चुका। 3 अक्टूबर का नोटिस देख लीजिए, कॉर्नर पर डेट पड़ी हुई। यहाँ पर जो ये बताया गया राजस्व विभाग के अंतर्गत 7,000 पदों पर जो भर्ती आ रही थी यहाँ पर जो है वो लेखपाल की भर्ती आ रही थी, तो उसको जो फिलहाल जो है उन्होंने कहा अभी इसको जो है प्रकाशित नहीं की, देखो यहाँ पर देखो कोई नवीन विज्ञापन प्रकाशित न किया जाएगा, आदेश कर दिया गया यहाँ पर कोई नवीन विज्ञापन नहीं आएगा। जब तक जो ये पुरानी भर्ती क्लियर नहीं होगी तब तक कोई नवीन विज्ञापन यहाँ पे आने की आसार भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप मतलब ये 2 दिन पहले का नोटिस, 5 तारीख, ये 3 तारीख का नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10 अक्टूबर तक यहाँ पर बताइए, यहाँ पर देख लीजिए कॉर्नर पर लिखा हुआ है, 10 अक्टूबर तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का सुनिश्चित करें, यहाँ पर बता दिया गया इसमें जो है ये। वहीं पर एक इन्फॉर्मेशन और आ चुका है, यहाँ पर जो जल्द शुरू होगी यहाँ पर जो ITI में जो है 5,220 पदों पर भरने की प्रक्रिया। तो जितने भी पद खाली यहाँ पर जो है ये जो अखबार में दे रखा है, आज का अखबार में ये, फिर आपके शिक्षा के कर्मचारी हैं तो 5,220 पदों पर भर्ती हैं, 2016 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई है ना, तो यहाँ पर परेशान हो गए लोग जो है इस समय। तो यहाँ पर जो है बताया गया इसमें जो है कि यहाँ पर खाली पदों को जो भरने के लिए यहाँ पर जो है बताया गया, तो जल्द से जल्द भर्ती शुरू होने जा रही है यहाँ पर जो है ये। और आपने अभी कुछ दिन पहले एक इन्फॉर्मेशन पढ़ा, दो दिन पहले की बात है कि यहाँ पर जो PM इंटर्नशिप योजना के तहत यहाँ पर जो है 4,500, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, 4,500 रुपये यहाँ पर जो है ये आपके अकाउंट में आएंगे, 500 रुपये आपको इंडस्ट्री के, मतलब कि 5,000 रुपये इसमें आपको मिलेंगे, और ये 12th पास वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर जो ये। तो मैं ऑफिशियल साइट पर गया था, यहाँ पर देखा मैंने, तो योजना में क्या बताया गया वो देख लीजिए। यहाँ पर जो है मंथली आपको जो है ये 500 रुपये या और 4,500 रुपये ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेंगे, और वन टाइम ग्रांट आपको जो है यहाँ पर देख लीजिए 6,000 रुपये यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो मिलेगा। पर नियम यही है कि यहाँ पर जो है ये
कोई नॉट एम्प्लॉयड फुल टाइम, मतलब क्या इसमें कोई एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें से 21 से 24 साल के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये SC ST की छूट भी मिलती है, आप सभी जानते हैं इसमें मिलेगी। यहाँ पे PM प्रधानमंत्री योजना के तहत योजना चल रही है। जब मैंने क्लिक किया इसकी साइट पर जाके जो है, तो ये देख लीजिए साफ साफ यहाँ पर गाइडलाइन यहाँ पर जो जारी कर देगी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप योजना, एक योजना चल रही है यहाँ पर जो ये 500 और इसमें ये इसमें 1.25 लाख इसमें जो अभ्यर्थी इसमें अपॉर्चुनिटी इसमें हो रहा है। तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं यहाँ पर जो है गूगल पे। जब मैंने टाइप किया यहाँ पर जो ये, तो ये देख लीजिए गूगल पे टाइप करने के बाद यहाँ पर बॉक्स में आइएगा 3 पिन पे, जैसे आप करेंगे गाइडलाइन का ऑप्शन आएगा और गाइडलाइन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और वहाँ पर लिखा हुआ रजिस्टर्ड नाउ, और रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करते हैं आपके इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अभी 5000 रुपये आपको 6000 रुपये अप्रॉक्स आपको इसमें मिल जाएंगी सैलरी। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो बताएगा इसमें जो है ये गोपालगंज, ठीक है, तो ये गोपालगंज के अंतर्गत यहाँ पर जो लिपिक भर्ती संविदा पर निकाली गई 20000 रुपये इसमें सैलरी आपको मिल रही है। तो ये इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर और साथ में देख लीजिए मुंशी और कार्यालय परिचारक से चपरासी 13000 रुपये सैलरी है। इसके आसपास के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें देख लीजिए अभी डेट चल रहा है, ये ऐसी बात नहीं है, ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये रखी है, और 7 अक्टूबर 2024 तक इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। 7 अक्टूबर भाई आज 5 हुआ है, ऑफिशियल बस आप साइट पर जाइएगा और क्लिक करके फॉर्म भर दीजिएगा। ये रहा साइट, ठीक है, जो मैं थंबनेल में दिखाता हूँ वही आपको वीडियो में दिखाता हूँ। ये रहा फॉर्म यहाँ से भरिएगा, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँ आप फॉर्म ये वाला, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। ये मैं फॉर्म डाल दूँगा, वहाँ से आप फॉर्म ये भर दीजिएगा। सुबह की वीडियो में कुछ खबर छोड़ चुकी थी, बात करेंगे यहाँ पर पुलिस कर्मियों को मिलेगा ई पेंशन प्रणाली का लाभ, है ना। CM योगी जी ने कहा है यहाँ पर जो है ये सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम अंत तक यहाँ पर घोषित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। यहाँ पर जो है देख लीजिए, यहाँ पर भी 2 मिनट पहले अभी आ चुका है, ये यहाँ पर बताया गया पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा। यहाँ पर जो वहीं पर आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो परीक्षक नियंत्रक हैं यहाँ पर इनको जो कार्यभार संभाल लिया गया है, अब देख सकते हैं अजितनी TGT PGT हैं, आपकी क्लर्क भर्ती है, इसको असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, वो सब अटकी पड़ी, वो भी शुरू उसमें हो जाएगी बहुत जल्द। देख लीजिए लिखा हुआ देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने यहाँ पर जो है ये परीक्षा नियंत्रण का चार्ज संभाल लिया गया है। अग्निवीरों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल गई, 25% से अधिक जो अग्निवीर यहाँ पर स्थायी हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। 2022 में योजना के अंतर्गत यहाँ 50,000 लगे हुए थे और यहाँ पर जो है परमानेंट इनको कर दिया जाएगा। जॉब के रिलेशन में उनके बाद एक बार रीड कर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो भेज दीजिएगा उनके हैं, तो उनको खुशखबरी यहाँ पर मिल जाएगी। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत यहाँ पर काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, ये देख लीजिए पूरा काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बताइए अब 8 तक उपलब्ध रहेगी उत्तरकुंजी UP SSC यहाँ पे SSC की तरफ से यहाँ पे है उत्तरकुंजी आई थी, 8 तक इसमें जो है ये रहेंगी। कल शाम को मैंने आपको दिखा दिया था, आज सुबह की वीडियो में मैंने बताया था आशुलिपिक के आपसे मुख्य परीक्षा शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है, वो देख लीजिएगा। वहीं पर बात करेंगे यहाँ पे जो है कमेंटी कर सर नमस्कार, हाईकोर्ट में ग्रुप डी में जो पोस्ट स्वीपर कम फरार्स की 6 की पोस्ट हैं के बारे में जानकारी दीजिए। भाई इनको सैलरी कम मिलती है, 6000 रुपये के आसपास सैलरी मिलती है स्वीपर कम फरार्स, बता दिया मैंने जो है ये, है ना। और यहाँ पर कन्नौज से वैकेंसी जो आई थी क्लर्क भर्ती आवासीय विद्यालय में, वो पोर्टल पर शो नहीं हो रही। भाई मैंने पोर्टल से ही जानकारी लेकर तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, भाई यहाँ पर जो है ऐसी बात नहीं है, पोर्टल जानकारी लेकर तभी बनाता हूँ वीडियो में। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जौनपुर में इंटरव्यू 80000 रुपये इनको मांग रहे हैं। मैंने आपसे बोला A to Z कंपनी वाले पैसा नहीं लेते हैं, और ये जो बाकी पैसा ये ले लेते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पैसा तुम मत दीजिएगा, इनका शिकायत कीजिएगा अधिकारी का नंबर मैंने आपको बताया था अपनी ओल्ड वीडियो में, देख लीजिए मेरा ओल्ड वीडियो में। और भाई चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल के प्लस पे। थैंक यू वेरी मच।